अच्छा, ये जो आपके प्रोफाइल्स हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जूम पे जो आपने जो प्रोफाइल पिक्चर्स लगाई हुई है, यहाँ पे हर स्टूडेंट अपनी पिक्चर लगाए, ओरिजिनल पिक्चर लगाए, ये जो जिसने फेक पिक्चर लगाई हुई है या नहीं लगाई हुई, वो स्टूडेंट जो है वो जल्द जल्दी रिमूव कर दिए जाएंगे। और फिर वो फिर दोबारा एंड 355 जैसे है ये रोल नंबर, इसको मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ। ये अपने वालिद की या किसी और की पिक्चर आपने लगाई हुई है तो इसको रिमूव करें, अपनी क्लियर पिक्चर लगाएं, ठीक है। और अगर कोई आपकी पिक्चर मिस यूज कर रहा हो तो आप मुझे जो है वो बिल्कुल जो है वो बता दें, वो आपकी जिम्मेदारी है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। सही है, जो ये स्टूडेंट जिन्होंने पिक्चर नहीं लगाई हुई उनको मैं नहीं रिमूव कर रहा अभी वो, लेकिन जिन्होंने ये फजूल पिक्चर लगाई हुई है, अपनी एक्चुअल पिक्चर नहीं लगाई हुई, ऐसे कोई फनी टाइप पिक्चर लगाई है, उनको मैं रिमूव कर रहा हूँ। वो क्या काम करे अपनी एक्चुअल पिक्चर लगा के फिर जो है ना वो बाद में ऐड होना। आप लोगों ने असल में ना मुझे जो है वो टीचिंग स्टार्ट कर दी है, लेकिन आपको पता है मैं आपका जो है वो खुद टीचर हूँ। ये 362 असीब ने भी वो ऐसा ही काम किया हुआ था, इसको भी रिमूव करें जी। अपनी जो है वो सही पिक्चर लगाएं, ये मोहम्मद बासिल, अपना एक तो रोल नंबर लिखो और आप भी अपनी जो है वो सही तस्वीर लगा के फिर बाद में ऐड होना। ये कौन है शयान? सही, सबने ये जो है वो ऐसी पिक्चर जो है वो आपने अकाउंट पे लगाई, अपना रोल नंबर लिखो और साथ जो है, हाँ जी, अपनी जो है वो एक्चुअल पिक्चर लगाओ, सही है ना, और पूरा नाम लिखो। और अगर कोई आपकी पिक्चर मिस यूज कर रहा हो तो आपने मुझे बता देना है जी। और अपना रोल नंबर लिखो, कोई भी आपने फेक नेम जो है वो यहाँ पे नहीं मेंशन करना अपना, जैसे एक्स वाई जी और ऐसे करके कोई लंबा सा लिंक जो है वो आप अपने आईडी नेम पे पोस्ट कर देते हो, ये काम आप ना करना। अदरवाइज जो है वो जिस टाइम आपको मुश्किल पड़ेगी फिर आपको बहुत जो है वो डिफिकल्टी होगी, तो ये पहले जो है वो थोड़े एडजस्टमेंट कर लें, फिर उसके बाद हम फौरी जो है वो चीज़ें स्टार्ट करते हैं। जो फोटो फोटो चेंज कैसे करते हैं, चले जिनसे नहीं हो रहा मैं उनको रिमूव नहीं कर रहा, लेकिन आपने जो वहां पे आए जिन्होंने लगाई हुई है वो आप थोड़ी सेटिंग देख ले, उस सेटिंग में होगा, सही है ना। जब आप अकाउंट बनाते हैं ना, अकाउंट में जाकर आपने अपने प्रोफाइल पे लगानी है, तो अगर आपसे नहीं चेंज हो रही तो कोई इस पे मसला नहीं, लेकिन आप कोई फेक पिक्चर या ऐसी कोई फनी पिक्चर ना लगाएं जो आपके स्टूडेंट के स्टेटस और टीचर के स्टेटस के अगेंस्ट हो। ये आप जो है ना वो काम करें ताकि जो है ना वो इससे जो है पता चले कि आप सीरियस कितने हैं। सही हो गया। ये जो है वो आप एटलीस्ट करें, बाकी कोई मसला नहीं। अगर आपसे नहीं लग रही पिक्चर तो आपको मैं रिमूव नहीं करता यहाँ से। जी, तो हमारा आर्टिकल चल रहा था नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट, और आप देखें कि मैंने आपके लिए जो है वो ये कितना वर्क जो है वो किया है। हमारे जो प्रॉब्लम है यहाँ पे देखें, जो जो मैंने आपको समझाना है, ये मैंने पहले लिस्ट जो है वो यहाँ पे आपको दी हुई है, और इन एडिशन वो हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर देखें 2/97। अच्छा, उसके बाद मैं लिस्ट में देखता हूँ कि मैंने कहाँ से जो है वो प्रॉब्लम जो जो मैंने सॉल्व किए हुए हैं, ताकि मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। ये देखें कि नॉर्मल 2/97, 2/98, ठीक हो गया। अब 2/98 प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन देखते हैं कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, और इसको समझते हैं। आसान सा प्रॉब्लम है, हमने आज इंशाल्लाह जो है वो सारी
में जो प्रॉब्लम किए हुए हम इनको जो है वो गो थ्रू कर लेंगे। तो प्रॉब्लम की जो है सबसे पहले स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं 2/98 की क्लियरली। असल में देखें बात सुने, आपका काम है समझना स्टेटमेंट्स को। जब आप समझेंगे नहीं तो आप देखें कि अभी तक मैंने कोई इसका सोल्यूशन मैनुअल इस एडिशन में अभी तक कंसल्ट नहीं किया। वो ये है कि जब आपको चीज़ों की समझ आ जाती है तो फिर आप खुद भी जो है वो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 2/98 में उसने प्रॉब्लम में ये कहा है कि इफ द कॉम्पैक्ट डिस्क इज स्पिनिंग एट ए कॉन्स्टेंट एंगुलर रेट थीटा डॉट 360 रेवोल्यूशन पर मिनट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी एट द इंस्टेंट शोन। ठीक हो गया। जी अब प्रॉब्लम को जो है वो समझे, वो कहना क्या चाह रहा है पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, फिर हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। उसने ये कम्पैक्ट डिस्क जो है वो दी हुई है, जैसे वो सीडी रोम होता है, ठीक है ना, उसके अंदर जो डिस्क डल, वो कहता है कि अ कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी, ठीक है, इज स्पिनिंग एट ए कॉन्स्टेंट एंगुलर रेट थीटा डॉट 360 रेवोल्यूशन पर मिनट। वो इस रेट के साथ स्पिनिंग कर रही है। ठीक हो गया। आपने फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड of the accelerations of point A and B at the instant shown. अब देख लें एक बात ये याद रहे, जब उसने ये बात कर दी है compact disc is spinning at a constant angular rate. अब आप मुझे एक बात बताएं कि जो velocity है वो किसके बराबर होती है, वो होती है r omega के बराबर। ठीक हो गया ना, यानी rho beta dot, यही होता है ना, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, rho beta dot या r omega के बराबर होती है। अगर एग्जैक्ट सर्कल हो तो हम उसको r omega लिख लेते हैं, अगर कर्वी लीनियर पाथ है एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं है तो इन दैट सिचुएशन हम क्या है rho beta dot यूज कर लेते हैं। यही बात बताई थी आपको। तो क्या हुआ, आर भी कांस्टेंट है और फिर जो है वो उसका ओमेगा भी कांस्टेंट है ना, ये देखे ना कांस्टेंट एंगुलर रेट, तो इसका मतलब है वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो आप याद रखें कि आपने उसी जगह कंक्लूड कर लेना है कि इन बोथ द केसेस क्या है आपका ए टी यानी टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। उसके बाद जो है वो हमारे पास सिर्फ नॉर्मल एक्सेलरेशन बनेगा। तो आपने क्या काम करना है, ए और बी पॉइंट पर आपने उनके रेडियाई के मुताबिक वेलोसिटीज निकाल लेनी है और उसका नॉर्मल कंपोनेंट निकाल लेना है। देखें जी कैसे मैंने किया है, चलें जी ये देखें, थीटा डॉट को मैंने क्या लिख दिया, बीटा डॉट 360 रेवोल्यूशन पर मिनट, और इसको मैंने सबसे पहले किस में चेंज किया है, रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट किया। तो कैसे किया, 2π/60 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 37.7 रेडियंस पर सेकंड, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये रेडियन में हमेशा निकालना है, कभी रेवोल्यूशन पर मिनट में डायरेक्ट नहीं पुट करना। आपने जब भी साइन एंड कोसाइन के अलावा जो है वो एंगल्स यूज हो तो आपने क्या उनको रेडियन में लाजमी कन्वर्ट करना है। अब पॉइंट ए पे बात आ जाती है, ये देख लें पॉइंट ए पे बात आ जाती है, तो मैंने क्या लिखा है कि वी ए किसके बराबर हो जाएगा, रो बीटा डॉट, ठीक है, और आर थीटा डॉट आर ओमेगा, और ये 3060 और ये है आ जाएगा, ठीक हो गया ना, ओमेगा सही है, ये आ गया। और आर उसका कितना है, ये देखें आर जो है वो ये देखें कि 22 मिलीमीटर पर सेकंड है, ठीक हो गया। तो अब पहले पॉइंट ए को निकाल ले, तो पॉइंट ए जो है वो ये लार्जर है ना, ये देखें 60 मिलीमीटर, ठीक है, तो 60 मिलीमीटर जो है वो डायरेक्टली मैंने जो है वो पुट कर दिया है ताकि एक्सेलेरेशन भी मिलीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा, सही हो गया। तो ये चलें जी यहाँ पर चाहे वी स्क्वायर और रो ए स्क्वायर, तो ये जो है वो आ जाएगा रो बीटा, हाँ इसको ये देखें आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर बाई रो ए, हालांकि आपके पास ये भी दिया हुआ है, आप रो बीटा डॉट स्क्वायर इस तरह भी लिख सकते हैं, सही है। तो ये दोनों वेज हैं सॉल्व सॉल्यूशन के, आप चेक कर लें, यानी हमारे पास रो ए भी गिवन है और वी ए वेलोसिटी भी गिवन है, तो आप इस तरह कर लें, ये रो बीटा डॉट स्क्वायर डायरेक्ट पुट कर लें, तो ए एन ए के बराबर आ गया और ये 85.27 आ गया।
पॉइंट बी के लिए जो है वो 22 मिलीमीटर है, तो ये 31.6 मिलीमीटर पर सेकंड आ जाता है। मैंने जो है वो मेरा ख्याल है मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, तो आप क्या काम कर लें, नहीं 1000 पे डिवाइड कर दिया है, 1000 पे डिवाइड भी साथ जो है वो मैंने कर दिया है। चलें जी, तो इस प्रॉब्लम में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन राइट इन चैट, ठीक है ना, चैट में, हाँ जी चैट में आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप यहाँ पे राइट कर लें, ठीक है। सर एक दफा दोबारा बता दें प्रॉब्लम की स्टेटमेंट जो है वो बता दूं आपको, सर 37 को 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, वो इस वजह से क्योंकि वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ये देखे ना वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वो आर बीटा डॉट के बराबर होती है ना, तो 37 और जो है वो आगे ओमेगा और आर कितना आगे 60 मिलीमीटर, बस इतनी सी बात है जी। हाँ जी सर, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट जीरो होता है, बिल्कुल, जब वेलोसिटी जो है वो यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, जब भी स्पीड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान चेंज नहीं होगी तो इन एवरी सिचुएशन क्या हो जाएगा, उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट हमेशा जीरो रहेगा, लेकिन नॉर्मल कंपोनेंट होगा क्योंकि कर्वेचर चेंज हो रहा है। सर थीटा डॉट ओमेगा के इक्वल कैसे होता है, थीटा डॉट क्या होता है, थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी होता है ना, तो वो जो है उसको एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं ना, ओमेगा यही होता है ना, ओमेगा असल में क्या होता है, ये थीटा डी थीटा बाई डी टी होता है और उसको थीटा डॉट भी लिख लेते हैं, डॉट का मतलब क्या होता है, टाइम के लिहाज से जो डेरीवेटिव हो तो उसको डॉट बोलते हैं जी। ओके हो गया, अच्छा अब मेरा ख्याल इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, नीचे कौन से दो मैसेज हैं, सर ए एन का बता दें, नॉर्मल एक्सेलेरेशन, जी जी नॉर्मल एक्सेलेरेशन है, और नॉर्मल एक्सेलेरेशन का जो है फार्मूला क्या होता है, वो वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, या फिर जो है वो आपको पता है कि रो बीटा डॉट स्क्वायर होता है, सही है ना, यही होता है जी जी। सर 60 मिलीमीटर को कन्वर्ट नहीं करना, आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर लें, मैंने कन्वर्ट तो कर दिया, 1000 पे डिवाइड कर दें, सही है ना, उसमें कोई मसला नहीं, अगर आप मीटर पर सेकंड में लेना चाहते हैं तो आप क्या काम करें, उसको जो है वो कन्वर्ट कर दें जी, सही है, यूनिट्स में कहीं जो है वो फर्क अगर हो तो आप फिर मुझे बता देना, ठीक है ना, इसको करके, तो ये जो है वो तरीका कार, ये प्रॉब्लम आसान सा था, बेसिक था, इस पर टाइम ज्यादा नहीं लगाते, इसको देख लेना। अब आ जाए जी प्रॉब्लम, उससे आगे मैंने जो है वो किया है द कार वॉज विदाउट एनी जी सॉरी सॉरी जी अच्छा, उसके आगे जो है वो प्रॉब्लम नंबर 2/100 भी है, लेकिन मैंने जो प्रॉब्लम किया मैं आपको वो समझाता हूँ, उसके बाद 2/ जो है वो 101 करते हैं। सर रॉ और आर सेम होते हैं, बिल्कुल, देखिए मेरी बात सुने, जो रॉ है ये हम कहते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है इन द केस ऑफ कर्वीलिनियर पाथ, और आर हम यूज करते हैं जब सर्कल होता है जिसमें रेडियस कांस्टेंट होता है, सही है, तो रॉ और आर में कोई फर्क नहीं है, बेशक आप सर्कल के लिए यूज कर लें, लेकिन एक्चुअली क्या है, जब कोई रेडियस चेंजिंग हो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो फिर जो है वो हम उसको रॉ कह देते हैं, और अगर जो है वो सर्कल के केस में जो है वो नोटेशन आमतौर पर जो है वो समाल आर यूज होती है जी। ओके सर 1000 से डिवाइड जो है वो क्यों किया पॉइंट बी में, 1000 पे डिवाइड इसलिए जो है वो किया है कि यूनिट्स मिलीमीटर में, अगर आप मीटर पर सेकंड में एक्सेलेरेशन निकालना चाहते हैं तो इसलिए जो है वो डिवाइड किया, और कोई वजह नहीं थी जी, सही है, कन्वर्ट नहीं करना, कन्वर्ट आप कर लें वही बताया, 1000 पे डिवाइड करना चाहते हैं तो जी।
सही हो गया। ये आप प्रॉब्लम आसान सा था, सिर्फ मेन जो आपको चीज बतानी थी कि जब स्पीड कांस्टेंट हो तो एटी जीरो होता है। अब आपने एटी नहीं गलती से निकालने बैठ जाना, बस ये इसका ख्याल रखना है। बाकी तो आप वेलोसिटी निकाल लेंगे और तीन फार्मूले बताएं। प्रॉब्लम पे आ जाएं जी, दो टू स्लैश वन ओ वन, टू स्लैश वन ओ वन। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मुश्किल जरा भी नहीं है, समझना बात को। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, वो कहता है कि एन एक्सीलरोमीटर सी, एक्सीलरोमीटर क्या होता है, जो एक्सीलेशन मेजर करता है, इज माउंटेड टू द साइड ऑफ ए रोलर कोस्टर कार एंड रिकॉर्ड्स अ टोटल एक्सीलेशन ऑफ 3.5 जी एज द एम्प्टी कार पासेस द बॉटम मोस्ट पोजीशन ऑफ द ट्रैक शोन। ये देख रहे हैं, ये रोलर कोस्टर है, ये पॉइंट सी यहां पर मौजूद है जो कि इसके पाथ से, ये देखें ये नीचे पाथ बना हुआ है रोलर कोस्टर का, और इससे ऊपर इसका जो पॉइंट सी है जहां पे एक्सीलरोमीटर लगा हुआ है उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना है, वो 0.8 मीटर है। ये बात, ये अहम प्रॉब्लम है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सादा सा प्रॉब्लम है, सिर्फ आज प्रॉब्लम की स्टेटमेंट समझ ली तो लेंथ ही नहीं है ये प्रॉब्लम। नॉर्मल टेंजेंशियल के प्रॉब्लम बहुत आसान होते हैं, आसान का मतलब है कि ये लेंथ ही नहीं होते, लेकिन आपको ये समझना थोड़ा सा इनको जो है वो पड़ता है जी। तो क्या मैं बात बता रहा था कि 3.5 डी एट एम्प्टी कार पासेस द बॉटम मोस्ट पोजीशन ऑफ द ट्रैक एज शोन। इफ द स्पीड ऑफ द कार एट दिस पोजीशन इज 215 किलोमीटर पर आवर, सही है ना, ये देखें 215 किलोमीटर पर आवर जो है वो कहता है कि इस पॉइंट पर उसकी स्पीड है जब बिल्कुल वो हॉरिजेंटल है यहाँ पे उसकी वेलोसिटी, एंड इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर एवरी सेकेंड। अब बताएं कि इसका क्या मतलब है, इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। वो बताना ये चाह रहा है कि उस टाइम जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेशन है वो क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि स्पीड उसकी उस टाइम ये है, और लेकिन उस टाइम जो रेट उसने खुद बता दी है उस इंस्टेंट के ऊपर, वो कहता है कि 18 किलोमीटर पर आवर, असल में ये वही बन जाएगा ना, आप किलोमीटर पर आवर को जो है वो पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर एवरी सेकंड पे डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकंड से उसका एक्सेलेशन बन जाएगा जी। सर डिसेलेशन है, हाँ तो ठीक है ना, डिसेलेशन हो या एक्सेलेशन हो, बात ये है ना कि ये मकसद है कि डिसेलेशन सही है, सही है, आप जो है ना वो मेरी सही गलती पकड़ रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, डिक्रीजिंग मैंने तो एक्सेलेशन वैसे यूज किया है ना, मकसद बात कहना कि ये यूनिट किस चीज की, एक्सेलेशन की है, वो डिसेलेशन आप कहना चाहते हैं तो वैसे कह लें। अच्छा ये ए टी हो जाएगा, ए टी हमें गिवन है, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द कर्वेचर रो ऑफ द ट्रैक एट दिस पोजिशन। तो आपने क्या काम करना है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर डिटरमाइन करना है। तवज्जो रहे, करना कैसे, प्रॉब्लम को जो है सर एवरी सेकेंड लिखा है पर सेकेंड, हाँ वो यही मतलब होता है जो एवरी सेकेंड, ये एक स्टेटमेंट का एक वे होता है ना, पर सेकेंड का मतलब भी ये होता है कि एक सेकेंड पर, और एवरी सेकेंड का मतलब भी यही होता है जी, सही है ना, इसमें कोई फर्क नहीं, ये लिखने का एक टेक्निकल वे होता है बुक का, और कोई बात नहीं जी। एक चीज जैसे वो कहते हैं ना कि एक ट्रेड जो है वो वे होता है ट्रेडिंग का, एक आम ले मैन को समझाना है तो उसको इस तरह समझाना पड़ेगा ना, पर सेकेंड तो वो हमारी वो वैसे मैथमेटिकल वे होता है, ये होता है स्टेटमेंट में इस तरह लिखते हैं जी। तो बात जो चल रही थी हमारी के एक्सीलरोमीटर जो है वो 0.8 मीटर ऊपर जो है वो माउंट किया गया है, और उसका टोटल एक्सेलेशन कितना वो रिकॉर्ड कर रहा है, 3.5 जी, सही हो गया ना। तो अब इसका मतलब है कि आपको ए टी का तो पता चल गया, आपको वेलोसिटी का भी पता है ये, तो आपने क्या काम करना है, इस जगह पर आपने टोटल एक्सेलेशन के स्क्वायर में से जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलेशन का स्क्वायर माइनस करोगे तो हमारे पास ए एन आ जाएगा। ए एन जब आ जाएगा तो आपने देख के मुझे एक बात बताएं कि एक्सीलरोमीटर तक जो है वो रेडियस कितना बनता है, वो बन जाता है रो माइनस 0.8 बनता है ना। आपने देखिए पॉइंट कौन सा जिस पर एक्सीलरोमीटर लगा हुआ है, वो पॉइंट सी पे लगा हुआ है, और पॉइंट सी तक रो कितना टोटल बनता है, वो बनता है
जो पाथ कर रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस आ जाएगा 0.8, तो इस पॉइंट तक जो रेडियस बनता है वो बन जाएगा रो माइनस 0.8। तो आप क्या काम करेंगे, वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो माइनस 0.8 कर देंगे और ये आ जाएगा ए एन, ए एन निकाल लेंगे तो वहां से आपके पास क्या चीज आ जाएगी, रो माइनस 0.8 आ जाएगा। उसके बाद आप ये देखें कैसे किया, बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये देखें जी 2/101 ए मैंने निकाला है 3.5 g, 3.5 9.81, जो आपका अगर ब्रिटिश सिस्टम हो तो 32.2 हो जाएगा और अगर एसआई सिस्टम है तो फिर 9.81 आ जाएगा, 34.35 आ गया। अब वेलोसिटी कितनी है, 215 किलोमीटर पर आवर, 215 डिवाइड किया मीटर पर सेकंड में वैल्यू आ गई 59.723। अब 80 कितना आ गया, -80 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, ये देख लें आवर सेकंड लिख दिया है, तो इसको डिवाइड किया तो ये आ जाता है -5 पर सेकंड। ओके, अब ए एन किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा वी स्क्वायर बाई रो माइनस 8। क्यों, क्योंकि जिस जगह पे वेलोसिटी दी हुई है वो 0.8 मीटर ऊपर है पाथ से, तो इस वजह से हमने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, रो माइनस 0.8 लिख दिया है। तो ये डिवाइड किया और फिर आगे जो है वो मैंने कैसे किया कि ए स्क्वायर किसके बराबर, ए टी स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर, यहाँ से ए एन किसके बराबर हो जाएगा, वो ए स्क्वायर माइनस ए टी स्क्वायर, ये देखें अंतर जो है वो डिवाइड कर दिया है, ए एन आ जाता है 33.968। लेकिन हमें पता है कि ए एन किसके बराबर है, बी स्क्वायर बाई रो माइनस 0.8 के बराबर है, तो ये उधर वैल्यू जो है वो ये देखें पुट कर दिया 59.723 स्क्वायर और यहाँ पे रो माइनस 8 आ गया 105 और यहाँ पे रो कितना आ गया 105.8। ये वैल्यू जो है वो आगे मैं इधर आंसर भी निकालता हूँ ताकि आपको जो है वो आंसर से हेल्प हो। जी सर ये रिपीट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मैं आपको जो है वो रिपीट भी कर देता हूँ। और ये माइनस 0.8 क्यों लिखा है, देखें बात सुने, मैं आपको प्रॉब्लम की डायग्राम समझाता हूँ। आप देखते हैं कि रोलर कोस्टर यहाँ पर है, अब पॉइंट सी की जो है ना वो एक्सेलेरोमीटर इस जगह लगा हुआ है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना रेडियस बनता है ना इस पॉइंट पे, क्योंकि आपको इस पॉइंट की स्टेट दी हुई है, तो वो पाथ का रो में से 0.8 माइनस कर देंगे ना, क्योंकि हर जगह पे कितना रो सेम है, तो 0.8 माइनस करेंगे, तो इसलिए मैंने जो है ना वो किया, क्योंकि वेलोसिटी आपको इस पॉइंट की गिवन है, आपको ये नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी डिफरेंट होगी ना, तो आपको सिर्फ पॉइंट सी जहाँ पे एक्सेलेरोमीटर गिवन है वहां पे जो वेलोसिटी दी हुई है। सर एक्सेलेरेशन का बीटा बताइएगा 9.8 वाला, एक्सेलेरेशन का बताया कि 3.5 g लिखा हुआ है ना, तो 3.5 और g की वैल्यू एसआई यूनिट्स में कितनी होती है, 9.81 होती है, तो ये आपने 9.81 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सही हो गया। तो ये जो है वो बात थी, आप ये देखें मैं दोबारा एक दफा समझा देता हूँ, टोटल एक्सेलेरेशन निकाला है 3.5 g, सही है ना, उसके बाद वेलोसिटी निकाल ली है, एटी उसने दिया हुआ था 18 किलोमीटर पर आवर पर। अच्छा अगर आपको कभी दिया हो ना कि 18 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर भी दिया हो सकता है, तो इन दैट सिचुएशन आपने 3600 का फिर जो है वो स्क्वायर कर लेना है ना, क्योंकि यहाँ पे था पर आवर पर सेकंड था, तो इस वजह से हमने 36 पे डिवाइड कर दिया है ना, यानी उसने बता दिया कि पर सेकंड उसकी स्पीड इतनी चेंज हो रही है। अगर वो कह दे कि 18 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में अगर यूनिट्स दे देता है, तो फिर आपने आवर का स्क्वायर करना है, 1 आवर 3600 किया है, तो फिर उसको स्क्वायर पे डिवाइड कर देना है, सही है, फिर जो है वो आएगा। तो अब ये बात समझ आई, बहुत अहम है कि रो माइनस 0.8 लिखना है यहाँ पे। जी सर टेंजेंशियल कंपोनेंट का जो है वो बताइएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो यही है कि उसने बताया हुआ है ना कि उसकी जो स्पीड है वो कितनी चेंज हो रही है 18 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड, तो यही उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट है, वो डायरेक्ट गिवन है, आपने बस टोटल में से स्क्वायर में से माइनस कर देना है। ये देखें माइनस करेंगे तो वही आ जाएगा ना, -25 आ जाएगा और ये बच जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 33.968 आ जाएगा, एग्जैक्ट आंसर आता है। मैं साथ आपको आंसर फाइल भी निकाल के दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो कि जो आप कर रहे हैं। जी मैं आपको आंसर भी इधर से भी जो है वो दिखा देता हूँ बुक में से। प्रॉब्लम नंबर था
हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर है 2/98, नहीं प्रॉब्लम नंबर था जी, वन वन है प्रॉब्लम नंबर, ठीक है। तो वन वन प्रॉब्लम नंबर आप देख लें, ये देखें जी, इसको मैं थोड़ा जूम भी करता हूं ताकि आपको यार नजर भी आए। वन वन ये देख लें जी, रॉ कितना आ गया, 105.8 आ गया, एग्जैक्ट आंसर आ गया है, ऊपर वाले का भी चेक कर ले, ठीक है। तो आपको हाँ जी, हाँ जी सही हो गया सर। हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का इक्वल रखना है, हमने सर ये कैसे पता लगेगा कि ये एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल कंपोनेंट है जी? ये आपको ऐसे पता चलेगा कि जब भी आपको ये बताया हो कि स्पीड इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ, ये कहा हो उस, जब जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज होती है तो इसका मतलब है वो एट ही है, क्योंकि आपको पता है कि जो नॉर्मल कंपोनेंट है उसके अंदर तो सिर्फ ये चीज है कि उसके फार्मूले है वी स्क्वायर बाई जो है वो रो, और उसके बाद है रो बीटा डॉट स्क्वायर या वी बीटा डॉट, ये तीन फार्मूले याद रखने आपने नॉर्मल कंपोनेंट के केस में। लेकिन जो टेंजेंशियल कंपोनेंट के केस में अगर वो कह देता है कि स्पीड की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है वो एट की बात कर रहा है। इस बात का यू समझें कि आप ये जहन में रख लें, इसको एग्जाम में कोई गलती नहीं करनी, प्रॉब्लम मुश्किल नहीं है, प्रॉब्लम चेंज होने हैं, ये पहले से बता रहा हूं मेरे भाई, सारे कान खोल के सुन लो, हर तरह का कोई क्वेश्चन हो प्रॉब्लम को मुख्तलिफ वे से अटेम्प्ट करो, जाके करना है आपने पेपर, पेपर मुश्किल नहीं होगा, लेकिन लेकिन जो है वो आप लोगों का कंसेप्ट नहीं होगा तो मेरे भाई नहीं कर सकोगे। रॉ माइनस पॉइंट एट वाला बताएं, वो इसलिए मैंने दोबारा बताया है कि देखें पॉइंट सी तक जो है वो पॉइंट सी की डिस्टेंस वेलोसिटी दी हुई है, तो आपने देखना है पॉइंट सी तक रेडियस कितना बनता है, वो बन जाता है पाथ का रेडियस माइनस पॉइंट एट बनता है इस पॉइंट तक, सही है ना। अगर आप कहें तो एनोटेट करके भी बता देता हूँ यार, अगर आपको इस तरह समझ नहीं आई तो ले, यानी ये देखें यहां तक जो है वो यहां तक रेडियस कितना बनेगा, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक यही बनेगा ना, तो ये जो यहाँ पे ये जो रॉ दिया हुआ है सही है ना, उसमें से आपने माइनस जो है वो क्या काम कर देना है, 0.8 माइनस कर देना है, तो वो आ जाएगा, सही हो गया ना। हमें चूंकि इस पॉइंट की पोजीशन दी हुई है ना, अगर हमें यहाँ किसी पॉइंट का दिया होता पाथ के ऊपर कि उसकी वेलोसिटी इतनी है, तो फिर हम उस वहां तक टोटल कर्वेचर ले लेते जी। ओके हो गया यार, इस पे बड़ा ज्यादा टाइम लगा दिया है, सही हो गया। हाँ जी सर, रेडियस कर्व तक नहीं लेनी चाहिए यार, देखो बताया है कि रेडियस, रेडियस तो कर्व तक ही होगा ना, लेकिन हमने कैलकुलेशन के लिए क्या काम किया है, हमने कहा कि जिस पॉइंट की स्पीड दी हुई है वहां तक जो टोटल पाथ तक का रेडियस है उसमें से माइनस पॉइंट एट कर दिया ना, क्योंकि वो ऊपर है, तो अब हमें क्या है उधर जाकर पॉइंट एट ऐड हो जाएगा, तो हमें पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखें ये समझे ना कैसे किया है, कि ये आ गया ए एन, और हमने जो है वो क्या काम किया, ये देखें ए एन वी स्क्वायर बाई रॉ माइनस पॉइंट एट, क्योंकि वी स्क्वायर के इस पॉइंट के लिए पॉइंट सी की वेलोसिटी दी हुई है, तो वहां तक कर्वेचर कितना बनता है, वो बनता है रॉ माइनस पॉइंट एट, तो यहाँ से माइनस इसलिए जो है वो कर दिया है, तो वही माइनस पॉइंट एट इधर जाकर जो है वो ऐड हो गया, हालांकि देखिए आंसर आ जाता है एग्जैक्ट 105, तो पॉइंट एट ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, सही हो गया। तो यही तो मैंने काम किया है, मैंने कोई और मुश्किल बात तो की नहीं ना, मेरी आदत है इस तरह जो है वो काम करना, सही है जी। चले जी फिर आगे, सर रो में से पॉइंट एट ऐड करना चाहिए था, क्यों ऐड करना चाहिए था रो में पॉइंट एट, क्यों ऐड करना चाहिए था वो, अगर हमें इस पॉइंट की तो वेलोसिटी नहीं दी हुई थी ना, हमें ऊपर वाले पॉइंट की दी हुई थी, तो रो में से माइनस करना है ना, जिस पॉइंट की वेलोसिटी दी हुई वहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर लेना है। अगर आपको पाथ के ऊपर किसी पॉइंट की वेलोसिटी दी होती तो फिर आप जो है वो मकसद है टोटल रो ले लेते ना, सही है। हाँ जी जी, आप थोड़ा सा ना बाद में इसको समझना, ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ आएगा, और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है इस तरह के जो है वो आ जाते हैं, सही है।
अगला प्रॉब्लम जो मैंने उसमें किया है, ये मैं सारे समझाता जाता हूँ, आसान है मुश्किल है, मैं आपको सारे समझाता जाता हूँ जो मैंने उधर उसमें किए हुए। उसके बाद मैंने 2/1 और 2 भी किया है। ये प्रॉब्लम भी इंटरेस्टिंग है, समझे। उसने कहा कि द ड्राइवर ऑफ द ट्रक, ये मैंने जूम कर दिया, द ड्राइवर ऑफ द ट्रक हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.4 g एज द ट्रक पासेज ओवर द टॉप ए ऑफ द हम्प। ये जो है वो सबसे टॉप पोजीशन को उसने हम्प बोला है, इन द रोड एट कांस्टेंट स्पीड। ये देख लें, जब भी उसने कांस्टेंट स्पीड की बात कर दी है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एटी जीरो हो गया। सबसे मुश्किल आर्टिकल कौन सा है ताकि हम भी सर्व उस पर टाइम स्पेंड करें। जो आर्टिकल आपको नहीं आता वही आर्टिकल मुश्किल होता है। और अभी समझे आप, इस तरह के कोई क्वेश्चन का मैं अभी आंसर नहीं दे सकता, ये बाद में आप जो है वो मतलब मुझसे चैट पे पूछ लेना, ठीक है। लेकिन अभी फजूल जो है ना वो इस तरह के मैंने अभी वो आपको जो आर्टिकल नहीं आता जिसको वही मुश्किल है, कोई मुश्किल आर्टिकल होता नहीं, जो समझ आ जाए वो आसान है, जो नहीं समझ आता वो मुश्किल है जी। तो बात हमारी जो है वो ये चल रही थी, मैंने बोला कि आपने प्रॉब्लम की स्टेटमेंट के अंदर ही जो डेटा लिखते जाना है। क्या उसने बताया कि रोड स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, एटी जीरो हो गया, इसी जगह पे आपने लिख लेना है। उसके बाद आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रोड एट द टॉप ऑफ द हम्प 98 मीटर है, एंड द सेंटर जी ऑफ द ड्राइवर, ये देख ले, वो कहता है कि इसका जो सेंटर जी है ना, ये देखें रेडियस जिसका उसने स्टेट दी हुई है वो कितना है, वो 0.2 मीटर अबव द रोड है। ये देखें, अगर मैं आपको इसकी यहाँ पे थोड़ी एनोटेशन से बना दूं कि पॉइंट जी आपके पास इस एलिवेशन पे ऐसे आ रहा है, तो अब देखिए पॉइंट जी जो है वो एक्चुअली जब यहाँ पे आएगा तो वो पॉइंट जी कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे ऐसे होगा, सही है। ये देखें, अब पॉइंट जी ऐसे होगा तो वो कहता है कैलकुलेट द स्पीड वी ऑफ द ट्रक। अब आप क्या काम करेंगे, ए टी तो जीरो हो गया, सही है, टोटल एक्सेलेशन ये नॉर्मल एक्सेलेशन जो है वो गिवन है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ जो काम करना है वो ये करना है कि इसमें जब आपने जो फार्मूला लिखना है कि ए एन किसके बराबर हो जाएगा, वो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो पाथ का रेडियस है 98 है, इसमें से 2 ऐड कर देना है क्योंकि पॉइंट जी ऊपर है। तो आपका जो है वो रॉ कहाँ तक जो है वो दिया हुआ है, मैं आपको ये बना के दोबारा ये बताता हूँ। ये देखें, यानी आपको रॉ यहां तक दिया हुआ है, तो आप रॉ यहां तक है तो इसके अंदर 2 ऐड हो जाएगा क्योंकि पॉइंट जी की स्टेट दी हुई है। देखें कैसे मैंने किया है, हम चल के जो है ना इसमें देखते हैं। हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 102 देखें, ये मैं क्लियर कर दूं ड्राइंग भी जी। ये देखें जी, स्पीड कांस्टेंट ए टी जीरो, ए एन केस के बराबर है, ए वी स्क्वायर बाय रो ए के बराबर है ना, 0.4 9.81 वी स्क्वायर और रो 98 + 2। ये देख लें, बहुत आसान सा प्रॉब्लम था, वेलोसिटी निकल आई 19.8। चलें जी, ये ओके हो गया। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दो, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। आसान सा प्रॉब्लम था लेकिन मैंने सिर्फ जो है वो समझाना था ताकि आपको जो है वो क्लैरिटी हो कि इसके अंदर 0.2 ऐड किया है क्योंकि ये पाथ के 98 पाथ का रेडियस दिया है, वो दिया हुआ 98 और 2 यूनिट्स ऊपर है। सर स्टेटमेंट रिपीट कर दें, बिल्कुल स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूं क्योंकि स्टेटमेंट समझनी बड़ी अहम है। सर नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा जी, स्पीड उसने देखो कहा था कि द ड्राइवर ऑफ द ट्रक हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.4 g। अब वो कहता है कि उसका एक्सेलरेशन कितना है, 0.4 g एट दैट ऑफ द हम्प इन द रोड एट कांस्टेंट स्पीड। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टॉप ऑफ द हम्प इज 98 मीटर। अच्छा, स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, ए टी जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन है टोटल, सही है। उसके बाद जो है पॉइंट जी 2 मीटर ऊपर है तो 98 पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो 2 उसमें ऐड करेंगे तो 100 बन जाएगा और वो बाकी मैंने सॉल्व कर दिया। सर ये समझ नहीं आती कि कभी ऐड कर देते हैं कभी माइनस, जैसे इसमें 2 ऐड किया है लास्ट वाले में 2 माइनस कर दिया था, ये समझ नहीं आ लग रही कि कैसे हो रहा है, प्लीज बता दे। सुन ले, मैं बता देता हूं सारी बात, आपको बिल्कुल समझ भी आ चुकी है।
लेकिन मैं आपको फिर भी जो है वो बताना चाहूंगा कि ये जो है वो इसकी क्या रीजन है। देखें बात सुने, जब ऊपर वाले प्रॉब्लम पे गए हैं, मैं ऊपर दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ था, लेकिन पॉइंट सी जो है वो इस तरफ था और वो 0.8 मीटर ऊपर था, तो इस वजह से इस पॉइंट की वेलोसिटी दी हुई थी ना, तो इसमें से जो है वो जब नीचे तक जो है वो रेडियस दिया हुआ है तो उसमें से हमने माइनस किया, ये वजह बनी। जब आप अपने अगले प्रॉब्लम पे आए हैं तो इसमें सिचुएशन ये बनी है कि यहाँ पे पाथ का रेडियस जो है वो यहाँ से नीचे दिया होगा ना, इस तरफ ये होना है 98, तो आपका पॉइंट जी जो है वो 2 मीटर ऊपर है, 2 मीटर ऊपर है, तो वहां तक जो टोटल रेडियस बनना है पॉइंट जी का, तो आपने पॉइंट जी की लेना कि उसका रेडियस कितना बनता है, तो वो बन जाता है 98 + 200, तो ये रीजन है सर। अब एक मिनट, अब देखिए ना, जब आप इस तरह की ये चैट करेंगे तो ये जो है वो, अगर ये 333 है, मुझे नहीं पता कि ये कौन है, ये 333 मोहम्मद फैजान, सही है ना सर, के ये देखें, अब ये जिस तरह का कर रहा है इसको हमने उधर से जो है वो पकड़ना है, और इसको अभी जो है वो देख लेते हैं, ये 333 इसको जो है वो अभी इस तरह रिमूव कर देते हैं, सही है ना। इसमें देखो मुझे तो जो है वो इसमें परेशानी की बात नहीं है, आप कोई भी फजूल करेंगे नुकसान जो है ना वो इसमें आपका होना है, और मैं इसको जरा जो है ना वो इसका रिकॉर्ड नहीं करता जी। तो आप अपना जो है वो ख्याल रखें, कोई आपका फेक नंबर मोबाइल अपना सेल नंबर यूज कर रहा हो तो फिर आपने जो है वो क्या काम करना है वो मुझे बता देना। अच्छा जी, अब आगे आ जाएं जी इस पे 103 जो है वो तो आसान से इसको कर लेना, ये 104 पे आ जाएं। किस प्रॉब्लम पे? 104 पे जी, प्रॉब्लम 104 मैं पढ़ रहा हूँ, आसान है लेकिन मैं इसको जो है वो समझाता जाऊंगा जी।